एक तरफ ईरान ने अपने देश में सेना उतारा तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के खिलाफ F-16, F-35 युद्धपोत सब पहुंच रहे हैं। क्या यहां पर अब लॉयड ऑस्टिन ने दे दिया है बड़ा आदेश, जानेंगे क्या चल रहा है ईरान के आसपास। तो वहीं दूसरी तरफ ये जो चीज देख रहे हैं, ये चीज अचानक से ऑस्ट्रेलिया में मिली है और उंगलियां उठ रही है भारत के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया में भारत को लेकर सवाल पैदा हो रहा है, आखिर ये है क्या जिसका दोषी भारत को माना जा रहा है। जानेंगे कैसे सेना तक को बुलाना पड़ गया ऑस्ट्रेलिया को इस चीज के लिए। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त ना दुनिया एक बड़े उथल पुथल वाले मोड में चल रही है। ईरान में 10 महीने पहले महसा अमीनी की हत्या के बाद लोगों ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन को कभी नहीं देखा गया था। ऐसा माना गया कि महिलाओं के लिए अब देश में हालात बदल जाएंगे। बहुत सारी महिलाएं मारी भी गईं, बहुत सारी जेल भी चली गईं। 10 महीने का ये आंदोलन, लेकिन ऐसा लगता है जैसे ईरान बदलने वाला नहीं है। ईरान में एक बार फिर से सड़कों पर मोरेलिटी पुलिस नजर आने लगी है। इसके साथ ही ये महिलाओं को कहते हैं कि आप हिजाब पहनो, हिजाब पहनकर रखो। ये महिलाओं को हिजाब पहनने के लिए मजबूर कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये अब फिर से बिना हिजाब वाली महिलाओं को पकड़ने में लगे हुए हैं। पिछले साल सितंबर में महिसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद ईरान में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। पश्चिमी देशों का समर्थन मिलने के बाद ये लगातार तेज हो गया था, जिसके बाद मोरल पुलिसिंग बंद कर दी गई। हालांकि ईरान सरकार ने बेरहमी से इन प्रदर्शनों को कुचल डाला। इस दौरान 500 प्रदर्शनकारी मारे गए। ईरानी कानून के तहत महिलाओं को अपने बालों को हिजाब से ढकना अनिवार्य है। इस दौरान इन्हें ढीले ढाले कपड़े पहनने की भी जरूरत है और इसके लिए ईरान ने एक पुलिस बनाकर रखा है जिसे ये मोरेलिटी पुलिस कहते हैं। ये पुलिस 2006 से ईरान के अंदर काम कर रही है। महिसा अमीनी की मौत के बाद ऐसा लगा था कि सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन ये प्रदर्शन दबा दिया गया और ईरान एक बार फिर उसी रास्ते पे चला। जहां ईरान के अंदर पुलिस उतारनी पड़ रही है ईरान की सरकार को, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के लिए ऐसा लगता है जैसे समस्याएं बढ़ रही है, क्योंकि ये जो इलाका देख रहे हैं ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये हमने बताया था आपको कि बहुत महत्वपूर्ण है और यहां आजकल देखा जा रहा है कुछ गतिविधियों को, जिसको देखते हुए अचानक से अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने ऑर्डर दे दिया है कि आप यहाँ पर F-35, F-16 और इसके साथ साथ USS थॉमस हडनर को तैनात कर दिया जाए। ईरान के नजदीक F-35, F-16 फाइटर जेट और इसके साथ युद्धपोत की तैनाती आखिर अमेरिका अचानक से क्यों इस तरीके से कर रहा है? अमेरिका यहाँ पर फाइटर जेट और युद्धपोत भेज रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर समस्याएं बढ़ रही है। जब अमेरिका से पूछा गया तो अमेरिका ने कहा कि हम अपनी भलाई के लिए अब खाड़ी देशों में तैनात कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में अपने खतरनाक हथियारों को तैनात कर रहे हैं। अब हुआ क्या है तो आपको बता दें, हुआ ये है कि ईरान ने खुद ब खुद बुलाया है इस मुसीबत। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान अपनी दादागिरी दिखलाने लगा है, जैसा अमेरिका कह रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और ओमान की खाड़ी में कमर्शियल जहाज चलते हैं और ईरान अब कोशिश कर रहा है कमर्शियल जहाजों को जब्त करने की। अचानक से ये उतार देते हैं और दूसरे की जहाज को कब्जे में ले लेते हैं। ज्यादातर इनके निशाने में कौन से जहाज होते हैं? वो जहाज होते हैं जो अमेरिका के हैं। अमेरिकी नौसेना ने 5 जुलाई को दोनों के बीच में, जब ईरानी सेना और अमेरिकी जहाज इनके बीच टेंशन हो रही थी, तो अमेरिकी नौसेना बीच में आई। कहा जाता है कि ईरानी कर्मियों ने टैंकर पर गोलियां चला दी और जहां लोग क्रू मेंबर रुकते हैं, जहाज के उस इलाके में टक्कर भी मार दी। मतलब यहां ईरान आगे बढ़कर बोल रहा है, आप बैल मुझे मार। उस समय तक अमेरिका ने बर्दाश्त किया और अमेरिका ने कहा कि ऐसी कार्रवाइयों को बंद करो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि लगातार ईरान ऐसी ही हरकतें कर रहा है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है अमेरिका की तरफ से कि अब F-35 युद्धपोत और F-16 फाइटर जेट यहाँ तैनात
रहेंगे इस इलाके में, अगर ईरान ने कुछ भी किया तो यहीं से युद्ध शुरू हो जाएगा। ईरान के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में है अमेरिका। पश्चिम एशिया में F-16 F-35 के साथ युद्ध पोतों की भी तैनाती कर रहा है। खैर, इन सारे देशों को ऐसा लगता है जैसे गर्मी बहुत चढ़ गई है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं ये जो चीज देख रहे हैं ये मिला ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया में मिलने के बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर हड़कंप सा मच गया। ऑस्ट्रेलिया को तुरंत अपनी सेना तक को बुलाना पड़ गया कि आखिर ये चीज है क्या। ये एक ऐसी चीज है जो समुद्र तट पर मिली, अजीबो गरीब है, धातु की बनी हुई 2 मीटर बेलनाकार चीज जिस पर तार लटक रहे हैं। ये इतने अजीबो गरीब थे कि ऑस्ट्रेलिया पुलिस के हाथ पैर फूल गए। पुलिस ने शुरुआती बयान में कहा कि इसकी जांच के लिए वो सेना से संपर्क कर रहे हैं, और अब इस चीज के लिए भारत के ऊपर उंगली उठाई जा रही है। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी इस मामले में कूद गई है और इस रहस्यमयी चीज का जांच कर रही है। ऑस्ट्रेलियाई स्पेस एजेंसी इस रहस्यमय चीज की तस्वीर ट्वीट कर रही है और कहती है कि हम अभी इसके बारे में जांच कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ट्वीट। इन्होंने कहा कि ये चीज किसी विदेशी स्पेस लॉन्च के रॉकेट से जुड़ी हो सकती है। इन्होंने जैसे ही इस बात को कहा है, उसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये जो टुकड़ा है, ये टुकड़ा भारत के चंद्रयान मिशन का है। कहा जा रहा है कि ये चंद्रयान 3 का LLBM-3 रॉकेट का हिस्सा हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक PSLV रॉकेट का 3रा स्टेज है। हालांकि इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया कि यह चंद्रयान से जुड़ा नहीं हो सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि जब भी एक रॉकेट लॉन्च होता है तो कई चरणों से होकर गुजरता है। जैसे जैसे रॉकेट ऊंचाई पर जाता है, इसके स्टेज वजन को कम करने के लिए अलग होते रहते हैं। शुरुआती 2 चरण लॉन्च की जगह से दूर समुद्र में गिरते हैं। 3रा स्टेज कहा जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के करीब गिरा है। रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि ये रहस्यमय चीज PSLV के रॉकेट लॉन्च से जुड़ी है, लेकिन चंद्रयान से इसका कनेक्शन नहीं है, क्योंकि इसके पीछे की वजह है इस चीज के ऊपर मिले बर्नाकल। बर्नाकल सख्त खोल वाले समुद्री जीव होते हैं जो पत्थरों और जहाजों से लेकर अन्य चीजों पर जुड़ जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बर्नाकल को किसी भी चीज से जुड़ने में 3 सप्ताह से महीने भर का समय लगता है। ऐसे में माना जा रहा है कि ये चीज रॉकेट लॉन्च से तो जुड़ी है, लेकिन चंद्रयान 3 का मलबा नहीं है, क्योंकि ये तो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। और बर्नाकल अगर लगे हुए हैं तो इसका मतलब है कि ये हिस्सा काफी पहले गिरा है। वैसे सोशल मीडिया पर इसे चंद्रयान का हिस्सा साबित करने के लिए बहुत सारी चीजें दिखलाई जा रही हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।